नमस्कार। जब आप संतान प्राप्ति के बारे में सोचते हैं और इंटरनेट पर सर्च करते हैं तो क्या सर्च करेंगे? बेस्ट IVF हॉस्पिटल इन मुंबई, बेस्ट फर्टिलिटी क्लिनिक इन मुंबई, बेस्ट फर्टिलिटी सेंटर इन मुंबई, बेस्ट फर्टिलिटी ट्रीटमेंट इन मुंबई, बेस्ट IVF क्लिनिक इन मुंबई, बेस्ट फर्टिलिटी डॉक्टर इन मुंबई, जो भी आपके मन में आएगा आप सर्च करेंगे। तो देखते हैं बेस्ट फर्टिलिटी सेंटर इन मुंबई कैसे चूज करेंगे। बाविशी फर्टिलिटी इंस्टीट्यूट मुंबई 2010 से कार्यरत है और नेशनल सर्वे में ये मुंबई का द्वितीय क्रमांकित फर्टिलिटी इंस्टीट्यूट नामांकित हो चुका है। 4 फर्टिलिटी एक्सपर्ट्स की टीम मुंबई के विविध सेंटर्स पर काम कर रही है, जैसे कि थाने, वाशी, बोरीवली, पार्ला एंड घाटकोपर। तो आपको अपने इलाज के लिए बहुत लंबा ट्रैवल करने की ज़रूरत नहीं, आपका समय भी बच जाता है, आपकी सुविधा बढ़ जाती है। बाविशी फर्टिलिटी इंस्टीट्यूट में संतान प्राप्ति की हर सारवार और हर टेक्नोलॉजी उपलब्ध है। जब आप सर्च करते हैं कि संतान प्राप्ति की सारवार के लिए श्रेष्ठ फर्टिलिटी क्लिनिक, श्रेष्ठ फर्टिलिटी सेंटर, श्रेष्ठ फर्टिलिटी डॉक्टर, बेस्ट IVF क्लिनिक या जो भी आपके मन में आता है आपने सर्च किया, तो आपके सामने एक बहुत बड़ी लिस्ट आती है। और सबसे मुश्किल काम यही रहता है कि इतने सारे सेंटर्स में से मैं मेरी सारवार के लिए सबसे अच्छा सेंटर कैसे चुन सकूं, और वही आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात भी है। तो पहले आपको ये देखना चाहिए कि जो सेंटर आप कंसिडर कर रहे, सोच रहे हैं, उनके प्रमोटर्स कौन हैं, उनके डॉक्टर्स कौन हैं, इनके पीछे मेडिकल साइंस का बैकअप कैसा है, उनको सीनियर डॉक्टर्स का सपोर्ट उपलब्ध है या नहीं, वो कितने सालों से ये सारवार कर रहे हैं, कितने सफलतापूर्वक बच्चों को जन्म दे चुके हैं, ये सब चीज़ें आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो पहले आप देखिए कि जो सेंटर आप पसंद कर रहे हैं वहाँ के डॉक्टर्स और उनका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है। दूसरी बात, सक्सेस रेट, कि सफलता का दर कैसा है, और वो भी ज़रूरी है कि आप समझें कि वो सक्सेस रेट सही है, क्योंकि दावा तो कोई कुछ भी कर लेता है, मगर आप अपने कॉमन सेंस को यूज़ करके जो बात हो रही है उसमें आपको सच्चाई कितनी दिख रही है वो भी समझने की कोशिश कीजिए। तो मेरे कहने का मतलब है कि वास्तविक सक्सेस रेट वो क्लिनिक का कैसा है वो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट बन जाता है। फिर आता है ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी में आपको क्या समझाया जाता है कि आपका इलाज क्या होने वाला है, क्यों होने वाला है, कैसे होने वाला है, आपका पॉजिटिव पॉइंट क्या है, नेगेटिव पॉइंट्स क्या है, वास्तविक तौर पे आपकी सफलता के चांसेस कैसे हैं, ये सब अगर आपको सही समझाए जाते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे महत्वपूर्ण सफलता के लिए वो है टेक्नोलॉजी। तो क्या आपको बेस्ट टेक्नोलॉजी मिल रही है, क्या आपके लिए जो ज़रूरी या उपयोगी टेक्नोलॉजी है उसका सही उपयोग हो रहा है, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप जानते हैं कि ये पूरा इलाज ही हाईटेक इलाज है, तो इसमें टेक्नोलॉजी का बहुत ही बड़ा योगदान है। और इसलिए न केवल टेक्नोलॉजी, वो टेक्नोलॉजी को यूज़ करने वाला मैन पावर, जो मैन बिहाइंड द मशीन होगा, वो भी इतना ही इम्पोर्टेंट रहता है। तो वो भी आपके लिए डिसीशन मेकिंग में एक महत्वपूर्ण पहलू बन सकता है। आप जानते हैं कि ये थोड़ा महंगा इलाज है, इसलिए वो क्लिनिक आपको अलग अलग प्रकार के पैकेजेस भी ऑफर करना चाहिए, जो आप अपनी सुविधा के हिसाब से पसंद करके आप जो पैसे डालने वाले हैं, जो खर्च करने वाले हैं, उसका बेस्ट उपयोग कर सकें। ये प्राइस यूनिफॉर्म होना चाहिए, मतलब सबके लिए समान होना चाहिए, किसी को थोड़ा ज़्यादा कम ये सब होता है, तो आप उसमें कितना एक्चुअल में फ़ायदा ले रहे हैं या नुकसान भुगत रहे वो आप नहीं समझ पाते हैं। तो अंत में अगर मैं कहूँ तो सबसे महत्वपूर्ण है वो है विश्वास, विश्वसनीयता। अगर आपको वो क्लिनिक विश्वास पात्र लगता है तो फिर वो आपके लिए सही क्लिनिक है। तो आप खुद जाइए, एक बार डॉक्टर से मिलिए, अपना एक्सपीरियंस कीजिए, वहाँ का माहौल देखिए, आपको कैसे ट्रीट किया जाता है वो देखिए, और फिर अगर आपको लगता है कि हाँ मुझे यहाँ इलाज करवाना चाहिए तो ज़रूर करवाइए। कभी कभी ये लगता है कि बड़े क्लिनिक्स बहुत महंगे होंगे, मगर ऐसा भी नहीं होता है, आप जाके अपना खुद एक्सपीरियंस करिए
और फिर अपना डिसीजन लीजिए, क्योंकि जो भी इलाज आप करने वाले हैं, जो भी आप भुगतने वाले हैं, पैसे, ट्रीटमेंट, इंजेक्शन, इमोशंस, तो फिर उसका आपको बेस्ट रिजल्ट मिले वो भी बहुत ही ज़रूरी है। थैंक यू सो मच।